हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रियल स्टेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। मैं हूँ राजवंत सिंह मौली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। ग्राहक को कैसे पटाएं, यही कह लो, ग्राहक को कैसे पटाएं, मतलब ग्राहक के दिल में अपनी जगह कैसे बनाएं। पटाएंगे तो शब्द नेगेटिव है, लेकिन ठीक है, जैसे भी समझ आएगा वैसे ही बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि यदि आप रियल स्टेट का काम कर रहे हो, रियल स्टेट में काम कर रहे हो और आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट है, कोई आदमी आपके पास प्रॉपर्टी देखने के लिए, प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए आपके पास आ रहा है, तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है, उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले जब आदमी बाहर से आता है, सपोज़ कोई आदमी, मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, दिल्ली से मेरे पास कोई ग्राहक आया, तो जब भी आएगा, वो 12 बजे का टाइम दिया है, 1 बजे का टाइम दिया है, जब भी आएगा, थोड़ा बहुत लेट भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं, आप उसको स्माइल के साथ ही मिलो। जब वो मिलता है तो उसके साथ हाथ मिलाओ गर्मजोशी के साथ, और यदि कोई लेडी है तो उसको हाथ बंद के नमस्ते बहन जी, अच्छे तरीके से। आपको सफ़र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, पर्सनल बात करो, दो मिनट पानी पिलाओ, और कोई फॉर्मेलिटी ना करो। यदि वो भूखा है तो उसको खाना भी खिलाओ, यदि वो कहे कि मैंने जूस पीना है, चाय पीनी है, आप ज़रूर पिलाना उसको। उसके बाद आप उसकी जो बात करने का, जो उससे बात कहनी है, उसके बाद वो बात शुरू करनी है। ये नहीं कि आदमी तो 6 घंटे चल के आया और उसकी आंखों में कुछ और चीज़ मतलब तलाश रहा हो कि भूख लगी है उसको या कुछ भी है, और आप आते ही अपनी डील के बारे में शुरू कर, तो नहीं करनी, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं। जो आदमी चल के आ गया वो कहीं नहीं जाने वाला। और यदि आपका ट्रीटमेंट उसके साथ सही ना हुआ, आपका व्यवहार सही ना हुआ, तो वो टिकने वाला भी नहीं। तो जब आदमी आपके पास आता है तो उसको गर्मजोशी के साथ मिलना है, उसको हर एंगल से पूछना है, उसके बारे में पूछना है, उसके सफ़र के बारे में पूछना है, उसके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी दे सको उतनी देनी है, उसको उतनी लेनी भी है उससे, क्योंकि ये कहा जाता है बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लाई टुगेदर। एक तरीके के आदमी एक जगह पर चलते हैं, एक जगह पर काम करना चाहते हैं वो, तो आपने उस जैसा बनने की कोशिश करनी है, उसको अपने जैसा बाद में बनाना, पहले उस जैसा जैसा वो है उस तरीके से उसी लेवल पे आके उसको बात करनी है। यदि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन करता है तो उसके क्वेश्चन का जवाब अच्छे तरीके से देना, हर चीज़ एंगल से, हर मतलब आई कंटेक्ट के साथ देना। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज हो, आपके पास प्रॉपर्टी की नॉलेज हो, आपके पास रेट कंपैरिजन हो, आपके पास डेवलपमेंट करने की टेक्निक हो, आपके पास मल्टीपल चॉइस हो, तो ग्राहक कहीं नहीं जाने वाला। तो आपने ये देखना है कि आप किस तरीके से अपने ग्राहक को अट्रैक्ट कर सकते हो, उस आदमी को जो आदमी आपका परमानेंट ग्राहक बनने वाला है और आपकी रोजी रोटी में आपकी हेल्प करने वाला है। जो आदमी हमारा एम्प्लॉयर होता है तो हम उसको जी सर करते हैं, हमारे लिए वो भगवान होता है। तो जब हमारा ग्राहक है हमारे लिए भगवान है, तो हमने भगवान की तरह ही उससे बात करनी। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, बढ़िया लगेगा, और यदि ये टॉपिक बढ़िया लगे इसके ऊपर विचार करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना, और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। बहुत जल्द मिल रहा हूँ, पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली, थैंक यू।